हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एमकेडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेटीएम की केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे पेटीएम की केवाईसी आज के 3-4 महीने पहले, जैसे नवंबर या दिसंबर में फ्रेंड बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जैसे इस समय हर शॉप पर हो जा रहा है, बहुत सारे जैसे सात जन सेवा केंद्र या मोबाइल के दुकानों पर इस समय हो जा रहा है, और इसके पहले भी होता था। लेकिन जब वहाँ नवंबर दिसंबर चल रहा था या जनवरी के लगभग में, तो उस समय फ्रेंड केवल एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2-3 जगह केवल ही होते थे पेटीएम की केवाईसी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड उस समय। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पेटीएम की केवाईसी कहाँ से करवाएं और कैसे करवाएं पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सिंपली पेटीएम को ओपन कर ले रहा हूँ। पेटीएम को ओपन करने बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मेरा भी अभी पेटीएम केवाईसी हुआ नहीं है, मैं दूसरे अकाउंट से चलाता हूँ, तो यहाँ पे इस नंबर पे केवाईसी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो इस वाले पर यहाँ पर टच कीजिए। यहाँ पर मैं टच कर दे रहा हूँ। टच करने बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर मेरा नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे QR कोड है, और देखिए योर वॉलेट लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पे जैसे अगर आपका जो KYC हो जाता है, वहाँ पे 1,00,000 रुपये तक यहाँ से आपको ट्रांजेक्शन करने की अनुमति देता है। यहाँ पे अगर आपका KYC नहीं हुआ है तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ, जैसे यहाँ पे मिनिमम KYC हुई है, तो यहाँ देखिए वॉलेट टिल 29 फरवरी 2020 तक यहाँ पर मतलब ये वॉलेट है। और यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स, तो इस वाले पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से शो होगा, तो योर देखिए यू आर करेंटली ए मिनिमम KYC यूजर, तो यहाँ पे मिनी KYC मैं किया था, और यहाँ पे देखिए मंथली वॉलेट लिमिट 10,000 रुपये, और KYC एक्सपायर होगी 29 फरवरी 2020, और यहाँ पे कुछ डिटेल हैं यहाँ पे विथ योर करेंट KYC स्टेटस यू, तो यहाँ पे कैन यू पे टू मर्चेंट, मतलब मर्चेंट को पे कर सकते हैं पैसे, कैन यू ऑनलाइन ऑन एनी ऐप या वेबसाइट, ये दोनों चीज़ हम कर सकते हैं, और ये चारों चीज़ देखिए यहाँ पे ए वाला ये सब नहीं कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे कैन नॉट ओपन सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कोई भी सेविंग अकाउंट मैं ओपन नहीं कर पाऊँगा जब तक KYC नहीं हुई है, और 1,00,000 रुपये यहाँ पे नहीं रख सकता, और उसके बाद कैन नॉट ट्रांसफ़र मनी टू बैंक, तो जैसे यहाँ पे मैं बैंक में पैसे नहीं यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता, और कैन नॉट सेंड मनी टू फ्रेंड, जैसे आप किसी फ्रेंड को मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब आपकी फुल KYC हो जाएगी, तो फुल KYC करने बाद ये चारों ऑप्शन यहाँ पर हरे टिक लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कम्प्लीट योर फुल KYC या अनलॉक बेनिफिट्स, तो जो भी लॉक हैं उसे कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं फुल KYC करवा के, तो यहाँ पे कंप्लीट योर फुल KYC अनलॉक बेनिफिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ओपन होगा। देखिए एट योर नियर बाई KYC पॉइंट, तो यहाँ से आप अपने नियर बाई जो KYC पॉइंट हैं, जो सेंटर हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा हमारे नियर जो KYC सेंटर हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरीफिकेशन, तो आपको पैन कार्ड, देखिए यहाँ पे पैन कार्ड लिखा है, तो यहाँ पे देखिए वैलिड आईडी एड्रेस प्रूफ, तो वैलिड आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, आपको या तो पासपोर्ट, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे रखना होगा। जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है या नरेगा जॉब कार्ड है, तो आप अपना पेटीएम का KYC करवा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एट योर नियर बाई KYC सेंटर, तो यहाँ से आप इस वाले पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह इस वाले पे, तो देखिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने बाद यहाँ पे पूरा आपका जो भी नियर में है यहाँ पे शो कर दे रहा है। देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे कॉल, इसको कॉल भी कर सकते हैं जो KYC सेंटर वाले हैं, तो कि आप पूछ सकते हैं कि किस समय मैं आऊँ। यहाँ पे देखिए मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लगभग में है यहाँ पे, उसके बाद फिर से ये भी है लगभग 4.9 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के लगभग, सात सात, तो आप जो भी जैसे यहाँ पे देखिए
पाँच छः हैं लगभग मेरे नियर में जो भी हैं, यहाँ पे केवाईसी सेंटर यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो आप इसी तरह से आप अपने जो नियर बाई केवाईसी सेंटर हैं वहाँ पे आप जा कर के और अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के और वहाँ से अपना केवाईसी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।